आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको दुर्गति की स्थिति में पहुंचाएंगे आदरणीय नीतीश जी, इस बात को लिख करके रख ली। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का आज 76वीं जयंती जो है उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कार्यालय में मनाया। इस दौरान उन्होंने पुस्तक विमोचन किया और इशारों में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जनता दल यूनाइटेड का, उनकी राजनीतिक भविष्य जो है बर्बाद करके रख दी है नीतीश कुमार ने। आइए सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। आपने उस दुर्गति की स्थिति में पहुंचाया, अब आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको दुर्गति की स्थिति में पहुंचाएंगे आदरणीय नीतीश जी, इस बात को लिख करके रख ली। इसलिए हमने कहा कि पहले तो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को ये दुर्गति की स्थिति में पहुंचाते रहे, अब ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी को मिला है जो अब इनको दुर्गति की स्थिति में पहुंचाए बिना नहीं मानेगा। वह लगता है कि एक तरह से उन्होंने संकल्प ले रखा है। तो शरद जी को याद करते हुए हम लोगों को उनका जब इतिहास अंतिम दिनों का ध्यान में आता है तो मन में दुख भी होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें शरद जी से सीखने की भी जरूरत है। शरद जी ने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया जीवन। सामाजिक न्याय विचारधारा को मजबूती देने के लिए जीवन पर्यंत लगे रहे और उसी के चलते उनको हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कोई दूसरा कारण नहीं था। जिस विचारधारा को लेकर शरद जी चल रहे थे उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए कई बार उनको अलग अलग निर्णय लेना पड़ा अलग अलग समय पर, और उसके चलते उनको कठिनाइयां भी झेलनी पड़ी और अंत में भी जो स्थिति बनी अपने विचारों के प्रति मजबूती से प्रतिबद्ध रहने का जो उनका मन मिजाज था, इसके चलते ऐसी स्थिति बनी। नीतीश जी से आखिर किस बात को लेकर उनका मतभेद हुआ बाद के दिनों में, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जब से नीतीश जी शरद जी साथ हुए तब से तो लगातार चल ही रहे थे। एनडीए में लगातार रहे, बीच में कहे कि अब हम जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल के साथ 2015, उसमें भी साथ गए शरद जी, और फिर से कहा कि अब फिर एनडीए में जाएंगे वहां से एक मतभेद की शुरुआत। तो जिस मतभेद के चलते शरद यादव जी को उस दुर्गति में पहुंचाने का काम हुआ और उनके निधन के कुछ ही दिन बाद फिर से एनडीए में वापसी की बात हो गई, तो यह तो साबित करता है कि शरद जी सही थे, आप सही नहीं। तो शरद जी अपने विचारों के प्रति प्रतिबद्ध होते थे, अपने विचारों से कभी समझौता नहीं करते, इसलिए उनको जीवन में बहुत कठिनाई आई। हम लोगों को सीखना चाहिए जीवन में कठिनाई आए अलग बात है, एक व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आना, लेकिन विचार जिस विचार पर हम चलते हैं उसके प्रति प्रतिबद्धता हर स्थिति में हमको बनाकर रखना चाहिए, यह शरद जी से सीखने की जरूरत है। तो आपने सुना कि सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हुए नजर आए कि जो भी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं सभी का राजनीतिक भविष्य जो है नीतीश कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बर्बाद कर दी है। क्योंकि 2015 में जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार गए थे उस समय शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके कुछ ही दिनों बाद जब वो एनडीए के साथ जा रहे थे तो यही शरद यादव ने उन्हें मना किया था कि महागठबंधन के साथ रहिए, तो उनकी एक न सुनी और उन्हें बकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटा दिया था और फिर आज उसी महागठबंधन के गोद में जाकर बैठ गए हैं। सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से नीतीश कुमार ने कई राष्ट्रीय अध्यक्षों का भविष्य जो है वो बर्बाद कर दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।